टाइम मैगजीन की एक सबसे चर्चित तस्वीर दिखा दे। ये जो तस्वीर है ये 2 साल की उस बच्ची की है जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी को झुका दिया है। इस तस्वीर की वजह से ट्रंप सरकार ने महज 7 हफ्ते में अपना वो कानून वापस ले लिया है जिसके बाद अवैध तरीके से अमेरिका आए अप्रवासी परिवारों से उनके बच्चों को दूर कर दिया गया था। की ये बच्ची सुपर पावर अमेरिका के कानून से भी ज्यादा ताकतवर बन गई। आंसुओं से भीगी इसकी तस्वीर को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नई अप्रवासी नीति के काले चेहरे के तौर पर देखा गया। इस बच्ची का नाम है सिनेला। इस तस्वीर के पीछे एक कहानी चली है कि ये बच्ची बॉर्डर पर अपने माँ बाप से अलग कर दी गई। इसकी कहानी ने आग में घी का काम किया। तस्वीर टाइम मैगजीन के कवर तक पहुँच गई जहां ट्रंप के सामने खड़ी बच्ची मानो पूछ रही हो कि अमेरिका में ये किस तरह से हमारा स्वागत हो रहा है, ये किस तरह का ग्रेट अमेरिका है जिसका दिल इतना छोटा है, जहां बेघरों के लिए घर नहीं है, ये किस तरह का ग्रेट अमेरिका है जहां एक बच्ची को माँ बाप से सिर्फ इसलिए हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए क्योंकि उन्होंने जमीन पर खिंची सरहदों को सरहद नहीं माना था। इस तस्वीर ने ट्रंप को भी झुका दिया। उन्हें कहना पड़ा कि छोटे छोटे बच्चों को उनके घर वालों से अलग होते उनसे भी नहीं देखा जा रहा है। We want to solve this problem. We want to solve family separation. I don't want children taken away from parents. लेकिन इस तस्वीर की दूसरी कहानी भी है। बच्ची के पिता डेनिस ने बताया कि ये बच्ची कभी अपनी माँ से नहीं बिछड़ी थी, सिर्फ बॉर्डर पुलिस की सख्ती देख घबरा गई थी और रोने लगी। बच्ची और माँ साथ में है लेकिन पिता से अब भी उनका संपर्क नहीं हो सका है। डेनिस खुश है कि माँ और बच्ची सुरक्षित है। डेनिस इसलिए भी खुश होंगे कि उनकी बच्ची की तस्वीर ने वो कर दिया जो अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा अप्रवासी नहीं कर सके। उसने डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।